लक्ष्मण रेखा पार करके सीता माता भिक्षु को भिक्षा देने के लिए बाहर आती है और जैसे ही अनाज भिक्षु की झोली में डालती है तभी काली जटाएं सीता माता को अपने चपेट में लेने लगती है और सीता माता पूरी तरह काली जटाई में बंध जाती है और उड़ती हुई भिक्षु के पीछे पीछे चल रही होती है। तभी रावण अपने असली रूप में आने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि यह एक रावण है जो सीता का हरण करने के लिए आया था। इसी समय रावण का चमगादड़ भी आ जाता है। तभी राम जी और लक्ष्मण जी को वन में एक दृश्य दिखाई दिया, परंतु रावण माता सीता को चमगादड़ के ऊपर बंध कर इधर से उड़ जाता है। तभी राम जी लक्ष्मण जी भी इधर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब रावण सीता माता को लेकर जा रहा होता है तभी आसमान के ऊपर उसे एक पक्षीराज दिखाई देता है जो सीता माता को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसे देखकर रावण भी स्पीड में चलने लगता है, लेकिन पक्षीराज समय पर आकर सीता माता की एक हाथ की रस्सी काट देता है और सीता माता बड़ी मशक्कत के बाद दूसरी हाथ की रस्सी बीत लेती है। लेकिन पक्षीराज जैसे ही सीता माता को बचाने वाला होता है तभी बहुत सारे चमगादड़ पक्षीराज के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी समय रावण ने भी मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार निकालकर पक्षीराज के दोनों पंख काट दिए और पक्षीराज जाकर सीधे राम जी के कदमों में गिर जाता है। राम जी अब बहुत ही परेशान हो जाते हैं और घुटनों बल बैठकर सीता माता को जाता हुआ देखते हैं।